हेलो डियर चिल्ड्रन एसएसटी में हम जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर फाइव कर रहे हैं है ना तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा दो लेसन हमारा हो चुका है दो क्लास हमारा हो चुका है है ना तो आज हम इस चैप्टर को इस लेसन को हम कंप्लीट करेंगे इसको हम ख़त्म करेंगे ठीक है इससे पहले वाले क्लास में इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री जो है वो क्या होता है है ना मैंने बताया था इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री जो है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कहेंगे जहाँ पे क्या होता है गुड्स जो है चीज़ें जो है प्रोड्यूस किया जाता है चीज़ें जो है बनाया जाता है मिनरल्स जो है उसको निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जहाँ से सर्विस uh, जो है वो प्रोवाइड किया जाता है उसको कहते हैं इंडस्ट्री समझ में आया फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग पार्ट्स uh, में अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है किस बेस पे रॉ मटेरियल के बेस पे साइज़ के बेस पे और ऑनरशिप के बेस पे है ना फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्री लगाने के लिए एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या होना चाहिए किन किन चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है वो हमने पढ़ा है ना इंडस्ट्रियल uh, सिस्टम हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रीजन हमने किया है न मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सा इंडस्ट्री जो है मेजर मेन इंडस्ट्री जो है वो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा फिर हमने टिस्को के बारे में भी पढ़ा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में भी हमने पढ़ा है ना आज हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री करेंगे और हम करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या होता है ठीक है सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री को कहते हैं जहाँ पे क्या बनाते हैं क्लोथ बनाते हैं जहाँ पे कपड़े बनाते हैं उसको कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक है अब जो है आ, कपड़े जो है अलग अलग होते हैं है ना कोई कॉटन के होते हैं वुल के कपड़े होते हैं वुलन क्लोथ होते हैं सिल्क का होता है जूट का होता है फ्लैक्स का होता है ठीक है अब ये सारे यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए है ना क्या यूज़ किया जाता है कॉटन यूज़ किया जाता है वूल यूज़ किया जाता है सिल्क यूज़ किया जाता है झूठ यूज़ किया जाता है फ्लैक्स यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए ठीक है फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फाइबर्स जो है वो रॉ मटेरियल है <स्थाथ> समझ में आया कच्चा माल एक कपड़े बनाने के लिए जो है कच्चा माल जो होता है उसको क्या है? Fibers कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं अब फाइबर्स जो है अलग अलग होता है एक नेचुरल फाइबर्स भी होता है एक मैनमेड फाइबर्स भी होते हैं ठीक है नेचुरल फाइबर कौन सा है वुल्सिल्क कॉटन लिनन जूट ये सारे नेचुरल फाइबर है वुल जो है कहाँ से मिलते हैं हमें शिप से मिलता है सिल्क वॉम से मिलते हैं सिल्क वाम से कॉटन हमें प्लांट से मिलते हैं है ना इसी तरह से ये जो मेन मेड जो है वो ये तो नेचुरल हो गया जो सिल्क कॉटन लिनन जूट जो है ये तो नेचुरल हो गया है ना जो मेन मेट जो फाइबर है वो कौन सा है नाइलोन पुलिस्टर है ना एक्रेलिक और रोन जो है ये सारे क्या है मेन मेट फाइबर है इसको इंसान ने बनाया है ठीक है नायलोन होता है वो इसको हमने किस इंसान ने बनाया है ये नेचुरल नहीं है ठीक है अब देखते हैं हम कॉटन के बारे में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड कपड़े बनाने के इंडस्ट्री में जो कॉटन इंडस्ट्री जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में ओल्डेस्ट है ठीक है टिल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉटन क्लोथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिन टेक्निक जैसे कि विल एंड लूम्स इंडस्ट्रील रेवोल्यूशन आने से पहले ठीक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले जब कॉटन के कपड़े बनाते थे लोग ज़्यादातर हाथ से बनाते थे ठीक है हैंडलूम में बनाते थे ठीक है फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एटीन सेंचुरी में फिर क्या आया कॉटन जो कपड़े बनाने का टेक्सटाइल बनाने का इंडस्ट्री आया फैक्ट्री आया बड़े बड़े मशीन्स आए ठीक है सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे कहां पे ग्रेट ब्रिटेन में आए थे फिर धीरे धीरे करके दूसरे पार्ट्स में भी आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब होता है जो बड़े बड़े मशीन्स आना फैक्ट्रीज लगाना उसको कहेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है अभी जो है इंडिया चाइना जापान यूएसए जो है वो सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनाया जाता है ठीक है सबसे पहले जब हाथ से बनाते थे तब क्या होता था एक तो आ, उसके लिए जब किसी चीज़ को हाथ से अगर हम बनाएंगे एक तो वो महंगा होता है है ना दूसरा जो है उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ठीक है अब जब फैक्ट्री आए मशीन्स आए तो फिर उससे एक तो चीज़ें सस्ता होने लगे और दूसरा एकदम से बनने लगे मिनटों में जो है कपड़े हज़ारों के तदाद में कपड़े निकालने लगे ठीक तो, है तो ये फ़र्क है इंडस्ट्री और हैंडमेड में क्या फ़र्क है एक तो हैंडमेड में क्या होता है वो ज़्यादा क्या होता है ज़्यादा महंगा होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो फैक्ट्री से क्या होता है चीप होता है और फास्ट होता है ठीक है इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल जैसे कि इंडिया पता ही है हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि इंडिया का जो कॉटन जो है कॉटन का जो कपड़ा जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है मशहूर है किस लिए उसके क्वालिटी के लिए और उसके डिज़ाइन के लिए है ना तो अलग अलग नाम से कितने मशहूर थे इंडिया का जो है कपड़ा जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था जैसे कि मुस्लिन हो गया चिंस हो गया कालीकोस हो गया इसके बारे में हमने अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ा था है ना इन नाम से जो है इंडिया के कॉटन के कपड़े जो है जाने जाते थे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस होते थे क्वालिटी को लेकर और डिज़ाइन को लेकर लोग उसको बहुत पसंद करते थे लोग उसको बहुत पहनते थे और डिमांड करते थे इसके ठीक है द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश इन मुंबई इन 1854 इंडिया में सबसे पहले जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बना कब बना 1854 में बना कहाँ पे <coughs> मुंबई में ठीक है पहले पहले स्टार्टिंग में कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे जो है इंडस्ट्री बनने लगे थे इस्टैब्लिश होने लगे थे महाराष्ट्र और गुजरात में ठीक है फिर धीरे धीरे करके अभी जो है अभी तो बहुत सारे स्प्रेड हो गए फैल हो गए और कहाँ कहाँ पे कोयंबटूर में कानपुर में चेन्नई अहमदाबाद मुंबई कोलकाता लुधियाना पौडीचरी पानीपत इन सब जगहों पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करने लगे इस्टेब्लिश करने लगे ठीक है आप इंडस्ट्री लगाने के लिए भी स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए जैसे कि अगर एग्जांपल करके मुंबई को अगर हम लेते हैं तो वहाँ का क्या था कि वहाँ पे जो है कॉटन का जो रॉ मटेरियल जो है कॉटन मिलते थे वो जगह प्लेन हो होता था इस वजह से फैक्ट्री जो है आसानी से वहाँ पे इस्टेबलिश कर पाते थे बना पाते थे वहाँ पे लेबर जो है वो अच्छे से मिलते थे मार्केट वहाँ पे अच्छा होता था लेबर मिलते थे आ, और वहाँ पे पोर्ट्स होते थे सी पोर्ट थे इस वजह से चीज़ों को सामान को एक जगह से दूसरे जगह जो है वो आ, शिफ्ट कर पाते थे ठीक है इस वजह से इन इन चीज़ों को देखकर जो है इंडस्ट्री जो है वो आ, आ, लगाते थे इस्टेब्लिश करते थे ठीक है अभी तो जो है पहले पहले जो है सिर्फ मुंबई में थे महाराष्ट्र गुजरात में थे अभी तो स्प्रेड हो गए अलग अलग जगहों पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करने लगे ठीक है अब हम देखते थे देखते हैं अहमदाबाद के बारे में अहमदाबाद जो है गुजरात में है और कौन से सबरमती रिवर के पास है ठीक है और वहाँ पे अहमदाबाद में सबसे पहला मिल जो है फैक्ट्री जो है इस्टेबलिश हुआ था कब 1859 में ठीक है और अहमदाबाद जो है मुंबई के बाद सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी जो है वो माना जाता है ठीक है मुंबई नंबर वन पे आता है मुंबई लार्जेस्ट आता है मुंबई फिर उसके बाद आता है अहमदाबाद ठीक है इट इज़ रेफर टू एस मंचेस्टर ऑफ़ इंडिया अहमदाबाद को मंचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मंचेस्टर जो है एक जगह का नाम है जो ग्रेट ब्रिटेन में है और जो बहुत ही फेमस है वहाँ पे वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप है इसलिए जो है अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फैक्टर्स ड्यू टू ग्रोइंग कॉटन कॉटन जो है वो फैक्टर्स किस वजह से अहमदाबाद में जो है कॉटन टेक्सटाइल कॉटन जो है इंडस्ट्री जो है वो सेटअप किया है एक तो लैंड जो है फ्लैट है प्लेन है जहाँ पे फैक्ट्री अच्छे से लगा पाते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट जो है बहुत ही अच्छा है मॉइस्चर है लेबर आसानी से मिलते हैं रोड और रेलवे फैसिलिटी जो है वो अच्छे से डेवलप है ठीक है जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वहाँ पे डेवलप हुआ है कहाँ पे अहमदाबाद में ठीक है मगर क्या हुआ बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद मिल्स हैव सम प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम हो गए रिसेंट ईयर में पास के कुछ सालों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए बहुत सारे मिल्स जो है फैक्ट्री जो है वहाँ पे क्लोज डाउन हो गया यानी कि बंद हो गया क्यों क्योंकि नया न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स जो है वहाँ पे बनने लगे कंट्री में ठीक है और दूसरा जो है वहाँ के जो मशीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पुराने होते थे उसको उन्होंने रिप्लेस नहीं किया नए मशीन्स वहाँ पे नहीं लगाया तो लोगों को डर लगता था ऐसे ख़तरनाक जगहों पे काम करने से तो इस वजह से जो है बहुत सारे मिल्स जो है अहमदाबाद में बंद हुए क्लोज डाउन हो गए ठीक है नेक्स्ट ओसाका ये भी एक टेक्सटाइल सेंटर है इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जो कहाँ पे है जापान में है ओसाका जो है जापान में है ठीक है ओसाका को भी मंचेस्टर ऑफ जापान माना जाता है कहते हैं नाम ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुए कहाँ पे ओसाका जो जापान में है किस वजह से ड्यू टू प्लेन लैंड वहाँ पे भी लैंड जो है ज़मीन जो है प्लेन है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट क्लाइमेट जो है वार्म है रिवर्स योडो योडो रिवर्स जो है वहाँ पे पानी जो है फैक्ट्रीज में जो है उस रिवर से पानी आता था ठीक है आ, लेबर्स जो है वो वो मिलता था वहाँ पे और पोर्ट सी पोर्ट होते थे जिसकी वजह से शिप जो है वो जहाँ स... लोड किया जाता है अनलोड किया जाता है जहाँ से सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट किया जाता है एक्सपोर्ट किया जाता है ठीक है मगर जापान में रॉ मटेरियल जो है वहीं वहीं से नहीं मिलते थे जैसे कि अहमदाबाद में अगर ले लो आ, या मुंबई में अगर ले लो तो वहाँ पर जो है कॉटन के जो है वो ख़ुद लगाते थे वहीं पर प्लांट मगर ओसाका जो है जो जापान में है वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है उनको दूसरे कंट्री से लाना पड़ता था जैसे कि इजिप्ट से इंडिया से चाइना से और यूएसए से रॉ मटेरियल वो लोग इम्पोर्ट करते हैं लाते हैं और उसके उससे रॉ मटेरियल से वो लोग क्या बनाते हैं क्लोथ बनाते हैं टेक्सटाइल बनाते हैं ठीक है ठीके? फिर दूसरे देशों को भेजा जाता है <स्थ> समझ में आया अहमदाबाद और ओसाका के बारे में समझ में आया जो क्या है इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है ठीक है इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर है समझ में आया अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यानी कि जिसको कहते हैं आईटी टी टेक्नोलॉजी को कहते हैं आईटी ठीक है शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना कि मैं आईटी सेक्टर में मैं काम करती हूँ इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में वो काम करते हैं तो वो कैसा होता है ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ इमेजिन हाउ मच कुड बी एक्म्पलिश इफ़ कंपनीज कुड ऑपरेट ऑन आर ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक अभी जो ऑफिस टाइम होता है लोग जो है ऑफ़िस जाते हैं ठीक है ऑफिस जाने का जो है टाइम जो है क्या होता है सुबह ले लो कि मान लो दस बजे से लेकर चार बजे तक काम करते हैं ठीक है दस बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं दस बजे से काम करना शुरू करते हैं और चार बजे छुट्टी करके बंद करके वापस चले आते हैं है ना तो सोचो अगर आ, दस बजे से मान लो दस बजे से चार बजे तक कितने घंटे हुए दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार ठीक है आप चार पूरा भी कहाँ करेंगे उसमें हम चाय पियेंगे उसमें हम खाना खाएंगे एक घंटा तो उसी में लगा लो है ना तो मैक्सिमम जो है ज़्यादातर जो है छः घंटे जो है सिर्फ काम करते हैं छः सात घंटे जो है लोग ऑफिस में काम करते हैं है ना अब सोचो अगर हम ट्वेंटी फोर आवर्स पूरा चौबीस घंटा हम काम करेंगे ऑफिस में तो उससे कितना फ़ायदा होगा है ना कितना फ़ायदा होगा कितना कुछ हम आ, गेन कर पाएंगे है ना अब ये एग्ज़ाम्पल यहाँ कुछ एक दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम सुबह नौ बजे हम गए तो कल के नौ बजे तक हम ऑफिस में काम करें ये भी पॉसिबल नहीं है है ना वो कैसे करेंगे है ना अब क्या हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम होता है पूरा कंप्यूटर में होता है इंटरनेट के जरिए होता है कंप्यूटर में होता है ठीक है तो एक है, एक है डैनी जो सेलिकॉन विलेज कैलिफोर्निया में रहते हैं और एक है स्मिथा जो बेंगलोर में रहते हैं जो इंडिया में है ठीक है अब ये दोनों जो है आर वर्किंग ऑन अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट इन दोनों ने एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम करने का फैसला किया आप क्या करते हैं ये दोनों को डैनी और स्मिथा जो है ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ठीक है ठीके? अब जब इंडिया में रात होते हैं तो वहाँ पे दिन होगा जब वहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगा अब ये दोनों किस तरह से काम करते हैं जैसे कि मान लो स्मिथा जो है नौ बजे से चार बजे तक वो काम करते होंगे या पाँच छः बजे तक वो काम करते हैं उसके बाद जो है डैनी जो है वो काम करते हैं वहाँ से ठीक है स्मिथा जो है अपना पूरा रिपोर्ट जो है हाँ मैंने यहाँ तक किया हुआ है अब यहाँ से इससे आगे जो है आपने करना है तो जब वो डैनी जो है सुबह ऑफिस पहुँचते हैं तो स्मिथा का जो है उसको ईमेल मिलता है जो उसने पूरा इंफॉर्मेशन जो है दिया हुआ है और उसके बाद जो है काम जो है आगे जो है डैनी करते हैं तो हो गया ना ट्वेंटी आवर्स का आ, काम हो गया ना है ना काम हो गया ट्वेंटी फोर आवर्स का काम हो गया मगर दो लोग करेंगे अलग अलग से करेंगे ठीक है अलग एक ही प्रोजेक्ट पे करेंगे अलग अलग जगह पे काम करेंगे ऐसा होता ऐसा लगता है कि दोनों एक ही ऑफिस में एक ही कैबिन में बैठ के दोनों काम कर रहे हैं इस तरह से ठीक है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह से काम होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी जो है ये ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा इंडस्ट्री है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है नया आया है ठीक है अभी पूरा जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है स्टोर किया जाता है प्रोसेसिंग किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ठीक है अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं मे, मैं आपको क्या दे रही हूँ आपको मैं पढ़ा रही हूँ है ना आप घर पे हो अपने मैं भी अपने घर में बैठी हूँ है ना आप पता नहीं आप आपका घर कहाँ पे होगा आप कहाँ पे बैठे होंगे मगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ आप तक ये मेरी क्लास जो वो है वो पहुँच रहे हैं किस वजह से टेक्नोलॉजी के कारण है ना टेक्नोलॉजी के कारण जो है आप तक ये मेरी क्लास जो है पहुँच रहे हैं ठीक है वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है स्टोर किया जाता है प्रोसेस किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अब मुझे ये क्लास लेकर मुझे आपके घर आने की ज़रूरत नहीं है है ना आप ख़ुद इंटरनेट के ज़रिए अपने व्हाट्सएप के ज़रिए अपने यूट्यूब के जरिए है ना अपने गूगल के ज़रिए मेरा ये क्लास जो है आप देख सकते हो है ना ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है अभी जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है द मेजर हब्स ऑफ आई जो मेजर जो मेन सेंटर है आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पे है कैलिफोर्निया में है बेंगलोर इंडिया में है है ना अब जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है किन किन चीज़ों का क्या क्या फैक्टर्स होता है वो है रिसोर्स अवेलेबलिटी रिसोर्स होना चाहिए हमारे पास ठीक है कॉस्ट पैसा कितना लगेगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए एक ऑफिस चाहिए होगा वहाँ पर रूम्स चाहिए होंगे कैबिन्स चाहिए होंगे वहाँ पर कंप्यूटर्स चाहिए होंगे है ना ये सारे हो गए तो इन चीज़ों का जो है फैक्टर्स जो है इन चीज़ों का जो है पड़ता है समझ में आया बेंगलोर बेंगलोर जो है कहाँ पे है इंडिया के डेकन प्लेट डेकन प्लेटों है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया का है ये जो है डेकन प्लेटो हो गया यहाँ पे जो है कौन सा है बेंगलोर है ठीक है और इसको इसको क्या कहते हैं सेलिकॉन प्लेटो भी कहते हैं जहाँ पे क्या है आईटी टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ठीक है सेलिकॉन प्लेटो पार्ट ऑफ सेलिकॉन प्लेटो जो है पार्ट ऑफ सेंटा क्लारा सेलिकॉन प्लेटो जो है वो कहाँ पे है नॉर्थ uh, अमेरिका में है ठीक है रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सामने है ठीक है तो ये दोनों हैं क्या है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब्स है यानी कि सेंटर है अब ये नहीं है कि यही दोनों है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर यही दोनों है और कोई नहीं है नहीं बहुत सारे ऐसी जगह है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया हुआ है समझ में आया जैसे कि नोट एम जैसे कि ये गूगल हो गया फेसबुक हो गया ये सारे हैं जो ये क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं है ना जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है स्टोर किया जाता है प्रोसेस किया जाता है ठीक है तो ये भी एक इंडस्ट्री है समझ में आया तो ये हमारा जो है इस आ, ये हमारा आज चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फाइव जो है ये कंप्लीट हो गया समझ में आया तो नेक्स्ट हम आ, जो है नेक्स्ट लेसन में हम इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज करेंगे ठीक है थैंक यू